जैसे ही कोई चेहरा पसंद आता है, जैसे ही कोई चेहरा आपको पसंद आता है तो फिर आप क्या सोचते हैं? हम नॉर्मल लोग हैं, क्या हमारे जहन में ख्याल आता है? हमारे जहन में कुछ जो आता है वही मैंने कहने की कोशिश की, आप सुनिएगा। तेरा दीदार ना हो तो ये आंखें लाल हो जाए, पलट कर देख ले तू तो नवाबी चाल हो जाए। नहीं पड़ता फर्क दिख जाए कोई अप्सरा मुझको, जरा सर के तेरी चुनरी ये दिल बेहाल हो जाए। पर सिर्फ चेहरे के पसंद आने से बात बनती नहीं, गुणों को भी पसंद आना जरूरी है। आदमी की खूबसूरती उसके जहन से ज्यादा होनी चाहिए, चेहरे से कम होनी चाहिए। दिखता तो मैं बंदर जैसा ही हूं, वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि और जब प्यार बढ़ता है प्रपोज करने की इच्छा होती है, और प्रपोज करना साहब इतना आसान काम तो है नहीं, मुश्किल है। क्या मुश्किलें आती हैं मैं बताता हूँ। जहाँ में सबको तो एक दिन किसी से प्यार होता है, खुली आँखों से तब रातों का बेड़ा पार होता है। ये दिल बेचैन रहता है सदा इजहार करने को, लबों को बोलना लेकिन नहीं स्वीकार होता है। ये समस्या है साहब, ये समस्या है, लब बोल नहीं पाते हैं, लब बोल नहीं पाते हैं। और अगर लब बोल दें, बात बन जाए, दोनों तरफ से बन जाए, हो जाए प्रपोजल एक्सेप्ट, फिर क्या होता है? फिर शुरू होती है बातें, और चांद तारे सूरज तोड़ने की बातें होती हैं। तोड़ के कोई नहीं लाता है, बहुत सूरज में बहुत ऊर्जा है, हनुमान जी ही खाए थे बस। और जब मैं बार बार हनुमान जी का जिक्र कह रहा हूँ तो मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आगे बताऊँगा हनुमान जी का मतलब भी बताऊँगा आपको। मुझे आप कट्टर हिंदू मत समझिएगा, मैं भारतीय हूँ। दो पग मैं चलूँ तो फिर दो पग तुम चले आओ, कटेंगे दुख भरे ये दिन के तुम इनसे न घबराओ। अमा एक शब्द है इसमें, अमा मतलब अमावस्या। अमा की काली रातों में भी मैंने चांद देखा है। कैसे देखा साहब? फैक्चुअल बात करता हूं, कोई बेफिजुली बात नहीं करता, कि चांद तो उगता नहीं है ना अमावस्या के दिन, तो कैसे देखा? मैं फिर से कहता हूं कि अमा की काली रातों में मैंने चांद देखा है, यकीना हो तो जाओ और शीशा देख कर आओ। मैंने आगे भी, अगर प्यार आगे बढ़े फिर परवान पकड़ता है, फिर कोई मतलब ही नहीं होता। माँ जान जाए, पापा जान जाए, पड़ोसी जान जाए, पूरे शहर में हल्ला हो जाए, ढिंढोड़ा पिटवा दो साहब, हम तो प्यार करेंगे और जिद से करेंगे। ऐसा प्यार सब नहीं कर पाते, वो स्टेजेज है, स्टेजेज है झगड़ा। और ये प्यार जो है आगे बढ़ जाए, जरा परवान चढ़े प्यार, तो जब प्यार परवान चढ़ जाता है फिर क्या होता है, मैं आपसे कहने की कोशिश करता हूँ। जहाँ में सबको तो एक दिन किसी से प्यार होता है, होता ही है, ये तो पढ़ चुका था ना मैं, प्यार परवान चढ़ा चुका था, प्यार जरा परवान चढ़ चुका था। तो तुम हो जाओ यूं मेरी के हम बदनाम हो जाएं, शहर के हर मोहल्ले में ये चर्चे आम हो जाएं। तपन मुझ में दिवस सा है निशासी शीतला हो तुम, चलो मिल जाए थक्कर यूं के जैसे शाम हो जाए। हुआ था फिर ब्रेकअप कैसे हुआ? प्यार वाले समय तो हाथ नहीं उठाया था आपने। चलो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे कितने लोग समझते हैं, एलिट्रेशन, एक हाथ उठा है, दो उठ गया। चलिए गूगल कर लीजिएगा बाद में, मैं कहता हूँ आपके काम की चीज बताता हूँ। माफ कर दीजिएगा उनको जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी भी कुछ गलतियां रही होंगी, उनकी भी रही होंगी, दोनों तरीके से गलतियां होती हैं, माफ करिएगा उनको।
बशीर बद्र साहब ने एक शेर कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। कुछ मजबूरियां थी तभी ब्रेकअप हुआ। उस पर मैंने जो लिखने की कोशिश की मैं आपको कहता हूं कि बिछड़ के तुझसे मरना था मगर मैं जी के आया हूं, भरे हैं जख्म दिल के अब उन्हें मैं सी के आया हूं। अब अनुप्रास अलंकार वाले साहब गिनती गिने, माँ की माँ पे अनुप्रास अलंकार करने की कोशिश की है, मैं हाथ उठाऊंगा माँ पे। नशे में हूं मगर मैं खाने में मैं पी नहीं मैंने, छे हो गए। नशे में हूं मगर मैं खाने में मैं पी नहीं मैंने, नशा तेरी जुदाई का है आंसू पी के आया हूं। पर हम अपनी अगली पीढ़ियों का ऐसे ब्रेकअप नहीं होने देंगे जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे। सरदार जी बैठे हैं, सर को इतना भी न झुकाओ कि दस्तार गिरे, कुमार विश्वास साहब ने कहा था। अब मैं कहता हूं कि मुझे अपना भारत बनाना है, जवान पीढ़ियां बैठी है। अब मैं प्रेम से बाहर आता हूं, ब्रेकअप हो चुका है अपना, तो उनको समझ नहीं आता कि कोई लड़का रैप कर रहा है, ये क्या होता है साहब। मैं गांव से आया हूं इसलिए मुझे मेरे यहाँ लोगों को और नहीं समझ में आता है। कोई YouTube पे वीडियो बना रहा है, लाइक कर रहा है, वो उसमें अपना कैरियर सोच रहा है, तो उनको समझ नहीं आती। और उनका सोचना जायज है, उनका सोचना जायज है, उन्होंने दुख देखे हैं और हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि उन्होंने जो हमें बनाया है वो सही बनाया है। हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हम कौन लोग हैं मैं बताता हूँ आपको, हम भारत के लोग हैं। हम कौन लोग हैं मैं बताता हूँ, हम शंकर के वंशज हैं। भाई ने कहा था कि विष पी लिया, ऐसा कुछ विष जैसा कुछ कहा था, तो गले में कंठ में विष धरने वाला शंकर त्याग के उस शंकर के वंशज हैं। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं, हम ईसा मसीह के वंशज हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज हैं, हम मोहम्मद के वंशज हैं, हम गुरु नानक के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं। मैं और हम सब विवेकानंद के वंशज हैं, अब्दुल कलाम के वंशज हैं, ओशो रजनीश के वंशज हैं। आप में से कितनों ने ओशो रजनीश का नाम सुना है? वैसे ओशो रजनीश के वंशज हैं साहब। सबके सद्गुणों पे हमारा अधिकार हो सकता है, इन सब के स्वप्नों के हम अधिकारी हो सकते हैं, हम आज के यथार्थ के हीरो हो सकते हैं, नायक हो सकते हैं। तो मैं कहता हूं न हीरो को इन पांवों को इन्हें अभी डगमगाने दो। पांव डगमगाते हैं साहब, चलने से पहले पांव डगमगाते जरूर हैं। न हीरो को इन पांवों को इन्हें अभी डगमगाने दो, जवानी को अभी अपना जरा जौहर दिखाने दो। डरिएगा मत, माँ पापा जब डांटे, टीचर्स जब डांटे, डरिएगा मत, उनकी चिंता जायज है। इस पीढ़ी को बताना होगा कि आपने जो हमें बनाया है सही बनाया है, हम खा पी सकते हैं, कमा सकते हैं। बताना होगा हमें अपनी सफलता से, अमेरिका को यह बताना होगा कि तुम घबराओ मत, हम आ रहे हैं। जब दिनकर कहते हैं कि सेनानी करो पयान भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नख अमा के भुजते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इस पूरे दुनिया में हम डेटा लेके जाएंगे अपना। और तब मैं कहता हूँ जब आपके पड़ोसी आपके घर से पता बताने में खुशी महसूस करेंगे, वो पिज्जा हो या एम्बुलेंस हो, जब आपके नाम से बुलाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। जब आपके दोस्त ये कह के फक्र महसूस करेंगे कि ये लड़का मेरा दोस्त था, तो उनको अच्छा महसूस होगा। उनके लिए आपको सफल होना है, हारना नहीं है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब वाजपेयी कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि न हीरो को इन पांवों को इन्हें अभी डगमगाने दो। डगमगाने दो साहब, चलने से पहले डगमगाया जाता है, नहीं डगमगाओगे तो चल नहीं पाओगे। पहले बच्चा घुटनों पर रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता भी है। न हीरो को इन पांवों को इन्हें अभी डगमगाने दो,
जवानी को अभी अपना जरा जौहर दिखाने दो। जवानी जौहर दिखाती है तो पिछली पीढ़ी को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। पर उन्होंने अगर हमें अच्छा बनाया है तो हम उनसे आगे लेके जाएंगे। आप सब अपने माँ से पिताजी से कम 20-22 साल 25 साल बड़े होंगे, तो वो जैसे दुनिया देखते हैं और हम जैसे दुनिया देखते हैं, इसमें 25 साल का अंतर, जिसे हम जेनरेशन गैप कहते हैं, इसमें 25 साल का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसमें दिक्कत होता है।